बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिवीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हम एब्डोमिनल कैविटी के डिवीजन को पढ़ेंगे आज, कि एब्डोमिनल कैविटी को कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं और कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम एब्डोमिनल कैविटी के जो डिवीजन हम क्यों करते हैं, हम एब्डोमिनल कैविटी के डिवीजन इसलिए करते हैं ताकि हम लोकेट कर सकें। किस चीज़ को लोकेट कर सकें? हम पेन को लोकेट कर सकें, हम पैथोलॉजी को लोकेट कर सकें, हम किसी एब्डोमिनल विसरा की लोकेशन को लोकेट कर सके। तो हम तीन चीज़ों को लोकेट करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी की डिवीजन करते हैं, पेन को, पैथोलॉजी को और विसरा को करते हैं। एब्डोमिनल कैविटी की डिवीजन को समझने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रीजन वाइज एंड क्वाड्रेंट वाइज। एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन्स होते हैं, जबकि एब्डोमिनल कैविटी को क्वाड्रेंट क्लासिफिकेशन में देखें तो उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी की डिवीजन के लिए हम डिफरेंट प्लेन्स को यूज़ करते हैं, वो प्लेन्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। तो जो 9 रीजन्स वाली क्लासिफिकेशन है इसमें हम प्लेन्स हम 4 यूज़ करते हैं, तो इसमें टोटल कितने प्लेन्स हो गए? 4। और इसमें जो टोटल प्लेन्स हम यूज़ करते हैं इसमें 2 प्लेन्स यूज़ करते हैं। अब इसमें जो 4 प्लेन्स हैं तो एक प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा और कोई ना कोई प्लेन वर्टिकल होगा। तो जो यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए और 2 वर्टिकल प्लेन हो गए, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 हॉरिजॉन्टल होगा और 1 ही वर्टिकल होगा, 1 वर्टिकल प्लेन 1 हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे 2 वर्टिकल प्लेन है, तो 2 वर्टिकल प्लेन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन होते हैं और ये 2 होते हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे होते हैं। जबकि यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रांस अम्ब्लाइकल होता है, यानी ऐसा प्लेन जो अम्ब्लाइकल कोर से पास करे। और यहाँ पर जो वर्टिकल प्लेन होता है वो मीडियन प्लेन होता है, जो ज़िफाइड प्रोसेस और स्टर्नम के मिड पॉइंट से गुजरता होता है, अम्ब्लाइकस से को क्रॉस करता होता है। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है वो 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो हम सब कोस्टल प्लेन यूज़ करें, या फिर ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, या फिर ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, या फिर इंटर स्पाइनस प्लेन। तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन यहाँ पर और होगा इंटर स्पाइनस प्लेन। और यहाँ पे जो 2 कैटेगरी के हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं वो कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? सब कोस्टल प्लेन एंड ट्रांस या फिर इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, ट्यूबरकुलर प्लेन। अब इन प्लेन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या इनकी ओरिएंटेशन होती है? अब ये जो हमने जो प्लेन यूज़ किया अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम रीजन वाइज बात करें, सपोज दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन, 2 वर्टिकल प्लेन एंड दिस आर द 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो ये जो रीजन वाइज क्लासिफिकेशन में देखें तो एब्डोमिनल कैविटी 9 रीजन्स में डिवाइड होती है, एब्डोमिनल कैविटी 9 रीजन्स में होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। जो नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये बायलैटरल है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स पे हो गए, जबकि 4, 5, 6 सेंटर में है। इनके नाम क्या होते हैं? जो नंबर 1 रीजन है इसको हम बोलते हैं, ये हमारी तो लेफ्ट साइड है लेकिन एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड होगी, तो ये होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो यहाँ पे एच लिख देते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होगा। इसके नीचे जो प्लेन होगा उसको बोलते हैं राइट फ्लैंक बोलते हैं, या फिर राइट लैटरल, या फिर लंबर बोलते हैं, या फिर इसको लोइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे L3 यूज़ कर लेते हैं, लैटरल हो गया, लंबर यूज़ हो गया और लॉइन। अब ये जो तीसरा नंबर पर जो प्लेन है वो आता है यहाँ पर आइलिक फोसा, या फिर इसको हम इंग्वाइनल रीजन भी बोलते हैं, आइलिक फोसा बोल दिया, फिर इंग्वाइनल रीजन, या फिर इसको ग्रोइन भी बोलते हैं। 3 इसके नाम यूज़ हो गए। जबकि जो फोर्थ नंबर वाला है ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, या फिर बस ये लेफ्ट साइड का होगा। अब जो फोर्थ नंबर वाला है इसको जो होगा एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अम्ब्लाइकल या फिर सेंट्रल रीजन, जबकि इस रीजन को बोलते हैं हम प्यूबिक या फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये इसके डिफरेंट रीजन्स हो गए। या फिर इसको हम तीसरा नाम सुपरा प्यूबिक रीजन भी बोलते हैं, डिफरेंट बुक्स में सुपरा प्यूबिक रीजन में भी लिखते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी को अगर रीजन वाइज देखें तो उसको हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इस यानी जो हाइपोकॉन्ड्रिक, ये हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया, लंबर हो गया, फ्लैंक यानी लोइन, और तीसरा आइलिक फोसा, ये बायलैटरल होते हैं। जबकि सेंटर में कौन से हो गए? एपिगैस्ट्रिक होगा। और ये कौन सा रीजन है? अम्ब्लाइकल या फिर सेंट्रल रीजन। और जबकि ये कौन सा रीजन है? प्यूबिक या फिर सुपरा प्यूबिक रीजन, या फिर इसके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी बोलते हैं।
अब हम इसके रीजन वाइज क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड किया जाता है और हमने 4 प्लेन्स का सहारा लिया था, 2 वर्टिकल थे और 2 हॉरिजॉन्टल थे। वर्टिकल प्लेन को हम सेजिटल प्लेन भी कहते हैं और यहाँ पे हमने कौन सा प्लेन कहा था, राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर प्लेन या फिर लाइन ऐसा प्लेन है जो क्लेविकल के मिड पॉइंट से गुजरेगा और क्लेविकल का मिड पॉइंट सेंटर से तकरीबन 9 सेंटीमीटर अवे होता है। तो ये क्लेविकल के मिड पॉइंट से गुजरेगा, मिड पॉइंट से गुजरने के बाद नीचे आएगा, नीचे ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट से गुजरेगा। मिड इंग्वाइनल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो एंटीरियर सुपेरियलिक स्पाइन और प्यूबिक सिंफिसिस इनके दरमियान में होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट। यहाँ पे फीमोरल आर्टरी की पल्सेशन फील होती है। अब ये तो दो हो गए, 2 वर्टिकल प्लेन, राइट साइड पे भी होगा लेफ्ट साइड पे भी होगा। अब हो गए, बात होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन की। जो पहला प्लेन है वो है सब कोस्टल प्लेन, ये सब कोस्टल प्लेन है। ये जो सब कोस्टल प्लेन, सब कोस्टल का मतलब होता है ये कोस्टल मार्जिन को इंटरसेप्ट करेगा। सब का मतलब नीचे, तो उसका मतलब ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ कोस्टल कार्टिलेज होगा। कोस्टल कार्टिलेज 7th, 8th, 9th और 10th कोस्टल कार्टिलेज के मिलाने से बनता है। तो ये प्लेन ये कोस्टल मार्जिन के इन्फीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। दूसरा जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन यूज़ करते हैं वो होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर या फिर इंटर ट्यूबरकुलर। इंटर ट्यूबरकुलर का मतलब 2 ट्यूबरकल के दरमियान में होगा। वो 2 ट्यूबरकल कौन से हो गए, वो आइलिक ट्यूबरकल हो गए, इलियक ट्यूबरकल। और इलियक ट्यूबरकल ये इलियक क्रस्ट की आउटर लिप पे होते हैं और इनके एनाटॉमी का लोकेशन L5 वर्टिब्रा की बॉडी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा वर्टिब्रा है, L5 वर्टिब्रा। तो L5 वर्टिब्रा की इन्फीरियर बॉर्डर से गुजरते होते हैं। तो दो हॉरिजॉन्टल प्लेन हम यूज़ करते हैं, पहला हो गया सब कोस्टल प्लेन और दूसरा हो गया ये इंटर ट्यूबरकुलर या फिर ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। सेकेंड कैटेगरी भी हम यूज़ कर सकते हैं प्लेन्स की, वो उस सेकंड कैटेगरी में ये होगा कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए वो हम ट्रांसपाइलोरिक और इंटरस्पाइनस यूज़ करेंगे। ट्रांसपाइलोरिक का मतलब ऐसा प्लेन जो स्टोमक के पाइलोरस से गुजरेगा। स्टोमक के 3 पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, देखा जाए फंडस होता है उसकी बॉडी के होते हैं, उसका एक पाइलोरस रीजन होता है। तो ये पाइलोरस को क्रॉस करता है, देखिएगा ये कौन सा प्लेन है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये डॉटेड लाइन वाला। और ये L1 वर्टिब्रा के इन्फीरियर बॉर्डर से गुजर रहा है। तो ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन अगर देखा जाए तो ये सुपीरियरली एक जुगलर नोच होती है। ये कौन सी नोच है, स्टर्नम की सुपीरियर बॉर्डर को कहते हैं हम जुगलर नोच या फिर ये या फिर हम इसको बोल सकते हैं सुपरा स्टर्नल नोच या फिर जुगलर नोच या फिर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई और प्यूबिक सिंफिसिस इनके दरमियान में अगर एक प्लेन लो तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, ट्रांसपाइलोरिक। ट्रांसपाइलोरिक इसलिए कहता है क्योंकि स्टोमक के पाइलोरस को क्रॉस करता है। इस प्लेन के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर इस प्लेन के लेवल पर ये आपको नजर आ रहा है छोटा सा गाल ब्लेडर, तो गाल ब्लेडर होगा, गाल ब्लेडर का कौन सा पार्ट होगा, फंडस होगा। इस प्लेन के लेवल पर पाइलोरस होगा नंबर 1, नंबर 2 इज फंडस ऑफ गाल ब्लेडर, नंबर 3 इज नेक ऑफ पेनक्रियास। यहाँ पे पेनक्रियास नजर नहीं आ रहा, जो यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी स्टार्ट होगी, हेपेटिक पोर्टल वेन भी बनती है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैसे बनती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन ये मिलकर क्या बनाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। और हेपेटिक पोर्टल वेन नेको पेनक्रियास के पीछे पड़ी हुई होती है। जो छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रूट ऑफ ट्रांसेस मेसोकोलोन, सातवां ड्यूडिनो जुजिनल जंक्शन यानी ड्यूडिनम यहाँ पे खत्म होती है, जुजिनम स्टार्ट होती है। इसके बाद जो किडनी के हाइलम होते हैं वो भी इस लेवल के पड़े होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की। जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन हम यूज़ करते हैं वो है इंटरस्पाइनस। इंटरस्पाइनस का मतलब होता है ये स्पाइन को क्रॉस करेगा। कौन से स्पाइन होगी, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, याद रखिएगा ये एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट को। तो हमने 2 कैटेगरी के हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़े। जो पहली कैटेगरी में कौन कौन से प्लेन आ रहे थे, सब कोस्टल एंड इंटर ट्यूबरकुलर। दूसरी कैटेगरी में आ रहे थे ट्रांसपाइलोरिक एंड इंटरस्पाइनस प्लेन। इन दोनों कैटेगरी ने एक्चुअली क्या कर दिया, एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। हम पहली कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये थे एब्डोमिनल कैविटी की डिवीजन रीजन वाइज। रीजन वाइज देखें तो ये आपको 9 रीजन्स बताए थे, जिसमें हाइपोकॉन्ड्रिक, फ्लैंक या लैटरल, इंग्वाइनल रीजन या फिर इलिक फोसा होता है, प्यूबिक रीजन, ये अम्बिलिकल एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। हम इनके थोड़ा बहुत कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अगर आप डायग्राम पर गौर से फोकस करें तो पहले हम देख लेते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के कंटेंट। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या होगा, लीवर होगा। लीवर का कौन सा लोब होगा, लीवर का राइट लोब होगा। ये कौन सा साइड है, राइट साइड है, तो लीवर का राइट लोब होगा। और यहाँ पे गाल ब्लैडर होगा, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लीवर और गाल ब्लैडर। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या होगा, लीवर का लेफ्ट लोब होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्टोमक होगा क्योंकि स्टोमक लेफ्ट साइड पे होता है। स्प्लीन होगी क्योंकि स्प्लीन भी लेफ्ट साइड पे होती है। और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर होगा, ये कौन सा फ्लेक्चर है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। याद देखेगा कोलोन के 2 फ्लेक्चर होते हैं, एक राइट कॉलिक फ्लेक्चर राइट साइड पे होगा और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर लेफ्ट साइड पे होगा। अब राइट लंबर रीजन की बात करें या फिर राइट लैटर रीजन की, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, राइट किडनी होगा, राइट यूरेटर होगा। जबकि लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर होगा। और याद रखिएगा असेंडिंग कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन हमेशा
राइट साइड पे होता है। ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो असेंडिंग कोलन हमेशा क्या होगा? राइट साइड पे होगा। और डिसेंडिंग कोलन हमेशा कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। अब राइट इंग्वाइनल रीजन की बात करें, ये इंग्वाइनल रीजन आके ये वाला इंग्वाइनल रीजन, तो राइट इंग्वाइनल रीजन पे सीकम होगा, राइट साइड पे सीकम। आपको पता है सीकम अपेंडिक्स से राइट साइड पे होता है, तो सीकम और अपेंडिक्स राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? सिग्मॉइड मेसोकोलन होगा। ये सिग्मॉइड कोलन या फिर सिग्मॉइड कोलन की मेसेंटर को बोलते हैं सिग्मॉइड मेसोकोलन, ये दोनों यहाँ पे होती हैं। अगर हम एपिगैस्ट्रिक की बात करें, ये एपिगैस्ट्रिक एरिया, तो एपिगैस्ट्रिक एरिया में स्टोमक का सेंटर वाला पार्ट होगा, ड्यूडिनम होगा और पैनक्रियास होगा। और अगर इसके बाद नीचे वाले पोर्शन की बात करें अम्बिलिकल की, तो यहाँ पे भी स्टोमक का मेजर पार्ट होगा, एओर्टा होगा, इन्फीरियर वेना कैवा होगा और कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। प्यूबिक रीजन की बात करें, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी और यूट्रस होगा अगर वो इनलार्ज होता है।